नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। नेपाल के इतिहास में क्राइम की कहानी में वो कत्ल का हिस्सा जिसने वहाँ के लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी 2009 की है, जो नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। साल 2009 में काठमांडू में एक टीचर थे जिनका नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठा भी लगाते थे, यानी उनकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान या बीरेन श्रेष्ठा। वह मूल रूप से भारत के ही रहने वाले थे। दरअसल करीब 20 साल पहले वह भारत के दार्जिलिंग से नेपाल गए थे। नेपाल में बीरेन श्रेष्ठा एक कॉलेज में साइंस टीचर थे। जल्द ही नेपाल में उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया और अपने घर के दो कमरों को किराए पर दे दिया। बीरेन श्रेष्ठा के घर में एक श्रेष्ठा परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की भी थी जिसका नाम था ख्याति श्रेष्ठा। ख्याति श्रेष्ठा पढ़ाई में भी अच्छी थी। 10वीं पास करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया था। फिर इसी बीच बीरेन श्रेष्ठा ने अपने घर को बेच दिया, जहां ख्याति और उनके माता पिता किराए पर रहते थे। बीरेन श्रेष्ठा ने अपना घर बेच दिया, जिसके कारण श्रेष्ठा परिवार को भी वो घर छोड़ना पड़ा और वो फिर विराटनगर क्षेत्र में रहने चले गए, जबकि बीरेन श्रेष्ठा भी अन्य क्षेत्र में चला गया। ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता ने अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई के कारण विराटनगर से काठमांडू चले गए और वहां वो एक किराए के घर में रहने लगी और ख्याति श्रेष्ठा को जुबिलेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करा दिया। 5 जून 2009 ख्याति श्रेष्ठा को उनके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उन्हें वुमेन मैगजीन से लकी ड्रॉ पुरस्कार मिला है। लकी ड्रॉ के मुताबिक ख्याति श्रेष्ठा को 20,000 नेपाली रुपए और नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा का टिकट मिलने वाला था। उसके बाद ख्याति श्रेष्ठा को एक अज्ञात लड़की का फोन आया जिसमें उसने दिए गए पते पर पुरस्कार राशि और पोखरा का टिकट लेने के लिए कहा। फिर ख्याति श्रेष्ठा ने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। माता पिता भी इस बात से खुश थे कि बेटी को 20,000 रुपए और पोखरा का टिकट मिलेगा। ख्याति श्रेष्ठा अपने घर के नौकर राम के साथ पुताली गली पहुंचती है। राम दिए गए पते पर ख्याति श्रेष्ठा को छोड़कर घर लौट आता है। फिर उसके बाद ख्याति श्रेष्ठा एक लड़की से मिलती है जो लकी ड्रॉ इनाम के लिए उसे एक अपार्टमेंट में ले जाती है। अपार्टमेंट के अंदर जाते ख्याति श्रेष्ठा एक आदमी को देखकर चौंक जाती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बीरेन श्रेष्ठा था। बीरेन श्रेष्ठा भी ख्याति श्रेष्ठा को देखकर चौंकने का नाटक करता है और कुछ बातचीत के बाद बीरेन ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक देता है। क्योंकि ख्याति बीरेन को पहले से जानती थी, इसलिए उसने वो कोल्ड ड्रिंक ले लिया और पी भी लिया। ख्याति श्रेष्ठा ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाती है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। समय बीतता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति श्रेष्ठा घर नहीं लौटती। ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता चिंतित हो जाते हैं और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देते हैं, मगर उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। उन्होंने सभी रिश्तेदारों से फोन करके पूछा, आसपास के पड़ोसियों से पूछा, लेकिन ख्याति श्रेष्ठा का कहीं भी पता नहीं चला। शाम को ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता चौंक जाते हैं क्योंकि मैसेज में लिखा था कि ख्याति का किडनैप हो गया है, मतलब अपहरण कर लिया गया है, और 10 लाख नेपाली रुपए की फिरौती भी मांगी गई। मैसेज का अगला भाग पढ़कर ख्याति के पिता और ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया या पुलिस के पास गए तो ख्याति को मार देंगे। फिर ख्याति के माता पिता इस बारे में बात करते हैं और वो हिचकिचाते हैं कि पुलिस के पास जाए या ना जाए। आखिरकार वो बाद में तय करते हैं कि वह इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देंगे। फिर रात बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज आता है।
उन्हें 10 लाख रुपए लेकर बुटवाल आना है। बुटवाल नेपाल की कैपिटल काठमांडू से करीब 267 किलोमीटर दूर था। जैसे ही ख्याति के माता पिता बुटवाल पहुंचते हैं, उन्हें एक और मैसेज मिलता है कि उन्हें बुटवाल की बजाय चितवाल आना है। चितवाल बुटवाल से करीब 115 किलोमीटर दूर था। फिर जैसे ही ख्याति के माता पिता चितवाल पहुंचते हैं, उन्हें फिर से एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया था कि अब उन्हें सुनाली पहुंचना है। फिर ख्याति के माता पिता सुनाली के लिए निकल जाते हैं और सुनाली पहुंचने के बाद फिर से उन्हें एक और मैसेज मिलता है कि उन्हें दार्जिलिंग पहुंचना है। फिर वो भारत की सीमा पार करते हैं और आ जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसके अनुसार उन्हें ककरभिट्टा पहुंचना होता है जो कि नेपाल में ही था। फिर वो नेपाल में ककरभिट्टा पहुंचते हैं जहां उन्हें एक और मैसेज मिलता है और इस बार मैसेज में एक होटल का एड्रेस दिया होता है जहां उन्हें फिरौती के 10 लाख नेपाली रुपए देने होते हैं। जैसे ही वो होटल पहुंचते हैं, वहां बीरेन श्रेष्ठा को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक और मैसेज मिलता है कि जिसमें लिखा था कि होटल के कमरे में केवल नौकर राम ही पैसे लेकर आ सकता है और राम के अलावा किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। नौकर राम एक आदमी से मिलता है जो उससे पैसे लेता है। राम उस व्यक्ति को पहचान लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि ब्रेन श्रेष्ठा होता है। राम उस व्यक्ति को पैसे दे देता है। अब ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता को उम्मीद थी कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं तो शायद उनकी बेटी वापस आ जाएगी। यह सोचकर वह काठमांडू वापस लौट जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह से शाम तक पूरा दिन बीत जाता है मगर ख्याति श्रेष्ठा वापस नहीं आती। फिर ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता चिंतित हो जाते हैं जिसके बाद वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की किडनैपिंग के बारे में बताते हैं। फिर पुलिस उनसे पूछताछ में पूछती है कि क्या उन्होंने इस पूरी घटना के दौरान कुछ अलग और अजीब महसूस किया। तभी ख्याति की माँ ककरभिट्टा के उस होटल में बीरेन श्रेष्ठा को देखने के बारे में बताती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और शक के आधार पर बीरेन श्रेष्ठा का पता लगाना शुरू करती है। पर इसी दौरान कुछ दिनों बाद पुलिस को अलग अलग जगह से मानव शरीर के टुकड़े मिलने की खबर मिली। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिले तो कहीं पैर के 3 टुकड़े। पुलिस इन टुकड़ों को इकट्ठा करती रहती है और दूसरी तरफ ख्याति श्रेष्ठा को लापता हुए 15 दिन बीत चुके थे। कुछ दिनों बाद बीरेन श्रेष्ठा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। फिर वो पूरी कहानी शुरू से बताता है। बीरेन श्रेष्ठा एक अच्छे परिवार से था, उसके पास काफी पैसे भी थे मगर उसको जुए की लत लग जाती है जिसके कारण वो काठमांडू के कसीने में पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात जुआ खेलता और इसकी वजह से उस पर बहुत कर्जा भी हो गया था जिसकी वजह से उसे अपना घर भी बेचना पड़ा और किराए के मकान में रहना पड़ा। लेकिन उसका कर्ज फिर भी नहीं चुका तो उसने एक अपराध करने का सोचा। 5 जून 2009 को बीरेन श्रेष्ठा को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता उसे काठमांडू से ले आए हैं। फिर वह ख्याति से एक दिन मिलने जाता है जहां उसे पता चलता है कि ख्याति की आगे की पढ़ाई के लिए ख्याति की माता पिता ने अपनी जमीन बेच दी है और उनपे अभी बहुत पैसा है। तो बीरेन तय करता है कि वो ख्याति का किडनैप करेगा और उसके माता पिता से फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए मांगेगा। फिर वो ख्याति का अपहरण कर लेता है और इसके साथ इस जुर्म में उसकी एक छात्रा भी थी जहां वो साइंस का टीचर था। उसी ने ख्याति को फोन करके लकी ड्रॉ के बारे में बताया था जिसका नाम था मरियाना सकाया। बीरेन ने पहले तो ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पिला के बेहोश किया, फिर गला दबाकर ख्याति की हत्या कर दी और बॉडी कई हिस्से करके उसके शहर से दूर दूर अलग अलग जगह जाकर फेंक दिया। फिर इसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है। इस मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बीरेन श्रेष्ठा को ख्याति श्रेष्ठा के किडनैपिंग और मर्डर के जुर्म में 39 साल की सजा होगी और मरियाना सकाया को 20 साल की सजा सुनाई गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही।
आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, और इसी तरह से क्राइम से रिलेटेड कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।